नमस्कार दोस्तों, का फैक्ट्राई में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि आम जनता की क्या राय है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, संत गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, जानते हैं उन्हीं से बातचीत करके। हाँ जी मैम, आपका नाम? डिंपल। मैम आप कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? मैडम हम 21-22 सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। मैम आप इतने लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, आप खुद एक महिला हैं, तो यहाँ पे महिलाओं का किस तरह से सिक्योरिटी है? मैडम जहाँ पर महिलाएं इतनी सेफ है, मैं मुझे लगता है भी कहीं भी और सेफ नहीं है। जहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, भाई एक तरफ होते हैं, बहनें एक तरफ, वहाँ पर हम इतनी सेफ महसूस होते हैं, इतना हम अपने घर पर भी महसूस नहीं करते। मैम जैसा कि अभी संत गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के ऊपर बेअदबी के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो किस धर्म की शिक्षा देते हैं आपको संत जी? मैडम ये तो सब झूठ है। पिताजी तो किसी भी धर्म के बारे में निंदा करना तो दूर बुरा सोचने तक भी नहीं है, और हमें भी ऐसे ही कहते हैं कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो। धर्म की तो क्या, हमें किसी और की निंदा करने के बारे में भी पिताजी नहीं कहते। उन जैसा संत ना तो दुनिया में कोई है और ना ही कोई होगा। मैम जैसा कि डेरे की हर गतिविधि को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, तो क्या राजनीति में संत जी का कोई रोल हो? नहीं मैम, पिताजी का इस राजनीति में कोई रोल नहीं, और उन्होंने हमें कभी कहा ही नहीं भी किस राजनीति किसी वर्ग विंग को वोट देनी है किसको। पिताजी ने इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं हमें कहा। मैम जैसा कि डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक संस्था है, तो ऐसे कौन कौन से भलाई कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं? मैडम सब धर्म भलाई के कार्य होते हैं, जैसे गरीबों को राशन वगैरह देना, उनके घर बना के देना, गरीब बच्चों की शिक्षा वगैरह करवाना, सब धर्म प्रकार के जहाँ धर्म कार्य होते हैं, और सब साथ संगत रल मिल के जिसमें सहयोग देते हैं। मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी रह करके उनकी अगर वो ना आए तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे में जुड़े हुए हैं, अगर वो आते हैं तो लोग नशा मुक्त होंगे, देश का सुधार होगा और देश अच्छी तरक्की करेगा, क्योंकि वो मांस अंडा शराब सबको छुड़वाते हैं। और हम सरकार से यही बेनती करते हैं कि ऐसे गुरु को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों हम लगातार सुन रहे हैं, जनता लगातार अपील कर रही है कि सच्चे संत को जो लाखों लोगों की बुराइयां छुड़वाता है, नशे छुड़वाता है, उनको जल्दी से जल्दी समाज के बीच भेजा जाना चाहिए, ताकि ये समाज फिर से हरा भरा रह सके, नशा मुक्त हो सके, वैश्यावृत्ति मुक्त हो सके। देखते रहिए दोस्तों। Subscribe to our channel and press the bell icon.